जय हिंद एवरीवन। फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जो आपका जीएटी का टेस्ट हुआ था, जिसमें इंग्लिश पोर्शन के आपके 30 क्वेश्चंस थे, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, दिस व्यू हैज़ बीन टेकन बाय वन ऑफ द एल्बेस्ट पर्सन्स हु हैज़ रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो हमको दो रूल मिलता है। एक तो मिलता है वन ऑफ वाला। आपको पता है वन ऑफ के बाद में जब भी हम नाउन यूज़ करते हैं तो प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, पर्सन्स लिखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो वर्ब कैसे यूज़ होती है, सिंगुलर। बस वो उस कंडीशन में होगा जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते। यहाँ पर आप देखते हैं तो हु आपका क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या लिखा है, पर्सन्स। पर्सन्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे तो हैज़ यूज़ नहीं होगा, हैव होगा। रीज़न, ये प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पर्सन्स कैसा है आपका, प्लूरल पर्सन है। तो प्लूरल पर्सन के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। अगर इस सेंटेंस में यहाँ पर पर्सन रहता, सिर्फ पर्सन हो नहीं सकता था। रीज़न क्या, क्योंकि वन ऑफ की बात हो रही है तो वो हमेशा प्लूरल ही मिलेगा आपको। तो हम यहाँ पर पर्सन्स देखते हैं, उसके बाद में वहाँ हैज़ के प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द ऑनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। आपको यहाँ पर रूल मिलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, एज वेल एज। हम पढ़ते हैं तो एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ। जब भी ऐसा होता है, जब हम इन कंजक्शंस का यूज़ करते हैं, इसके पहले जो सब्जेक्ट होता है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं। तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज वेल एज। एज वेल एज से पहले कौन है, ऑनर। ऑनर आपका सिंगुलर पर्सन है तो वर्ब भी कैसे यूज़ होगी, सिंगुलर। वर्ब हमारी वर्ब भी सिंगुलर है तो इसमें एरर नहीं है। राइट आंसर आएगा आपका डी पार्ट। डी पार्ट में आपका आंसर आएगा नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटर्नी द ज्यूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्स वर रिकॉर्डेड। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। रीज़न क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, ज्यूरी लिखा हुआ है। और ज्यूरी के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। रीज़न, ये आपका कहलाता है कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी होता तो कलेक्टिव नाउन है, बट हम उसके साथ में वर्ब भी कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इस कंडीशन में प्लूरल वर्ब आएगी। रीजन, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि जब भी हम बात करते हैं सेंटेंस में इट्स लिखा हुआ है, इट्स सिंगुलर पर्सन है तो वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर वर्ब। कभी भी सेंटेंस में अगर आपको मिलता है कलेक्टिव नाउन वाली केस में, अगर देयर मिला तो देयर आपका कैसा पर्सन है, प्लूरल पर्सन। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हम कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर आप उसको वॉश करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी वर है। एक कंडीशंस ये भी है। अब आप दो जगह पर एरर कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है, देयर। और आपको अभी जस्ट बताया मैंने, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, देयर आपका प्लूरल पर्सन होता है। तो देयर प्लूरल पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आप देखें प्लूरल वर्ब, यहाँ पे भी आप देखें प्लूरल वर्ब। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। राइट आंसर आएगा आपका डी, नो एरर। राइट आंसर क्या आएगा, डी, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी जस्ट हमने बात की थी वन ऑफ द बॉयज लिखा हुआ है, एवरी वन ऑफ द बॉयज, है ना। एवरी वन ऑफ के बाद में नाउन आपका कैसा, प्लूरल नाउन। हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट कैसा आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है। बट जो वर्ब है वो कैसी चाहिए हमें, सिंगुलर वर्ब चाहिए। लव आपका प्लूरल है, हम जब यूज करते हैं तो आपको बोला गया है वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आता है, प्लूरल। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब में हम जब यूज करते हैं मेन वर्ब, तो यहाँ लव नहीं आएगा बेटा, आएगा क्या आपका, लव्स आएगा। एरर कौन से पार्ट में कहलाएगा आपका, सी पार्ट में एरर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं तो यहां कंजक्शन आपका यूज होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, या फिर और। जब भी हम इन कंजक्शंस का यूज करेंगे, वर्ब हमेशा बेटा आपके किसके अकॉर्डिंग आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बी, बी मीन्स सेकंड सब्जेक्ट आपका। यहाँ पर आप बात करते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीदर। यहाँ क्या लिखा है, नॉर। नीदर प्रेज नॉर ब्लेम। ब्लेम आपका अनकाउंटेबल है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे चाहिए, सिंगुलर। सीम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, सीम्स हम यूज करेंगे। हम यूज क्या करेंगे, सीम्स। और ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं तो देखिए लिखा हुआ है, ही गोज टू हिज ऑफिस। ही सिंगुलर, गोज ठीक है, टू हिज ऑफिस डायरेक्शन डेस्टिनेशन बताने के लिए। बाय साइकिल बिल्कुल सही है क्योंकि आपको पहले भी बोला है
कि जब भी हम बात करते हैं ट्रेवल सोर्स के तो हम क्या यूज़ करते हैं, बाय। ऑन यूज़ नहीं होगा। ऑन कब होता, जब हम टू व्हीलर के साथ में क्या यूज़ करते हैं, आपको पहले भी क्लियर किया है मैंने कि टू व्हीलर के साथ में अगर हम यूज़ करते पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल, उस कंडीशन में हम इनके साथ में कौन से प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ऑन। बट यहाँ पर बाय अपनी जगह बिल्कुल सही है, एवरीडे इंडिकेटर है आपका, और टेंस भी आप देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस आपका क्या आएगा, नो एरर। सेंटेंस आपका क्या रहेगा, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द कैप्टन विथ द मेंबर्स ऑफ टीम आर रिटर्निंग आफ्टर अ फोर्टनाइट। अब यहाँ पर मेरी बात समझिएगा, हमें वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, एज वेल एज वाला। अब एज वेल एज वाला भी जस्ट बताया था कि सब्जेक्ट कौन सा यूज करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं, उसी में एक वर्ड और आता है आपका क्या, विथ। विथ मिलता है तो सब्जेक्ट जो फर्स्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। यहां पर आइएगा द कैप्टन विथ, ये भी क्या लिखा हुआ है, विथ। ये क्या लिखा हुआ है, विथ। विथ के पहले मतलब विथ का फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, आप देखें यहाँ पे कैप्टन, कैप्टन सिंगुलर है, इसलिए हम इस आर की प्लेस पे किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। जो ऑप्शन आपका आएगा वो कौन सा ऑप्शन बनेगा, आपका बी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑल इंडिया टूर आई हैड टू डिस्क्राइब अबाउट इट। अब वो पूरा टूर के बाद में उस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहता है, और आपको मैंने प्रीपोजिशन में पढ़ाया है तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कभी भी हम डिस्क्राइब के साथ में किसका यूज़ नहीं करते, अबाउट का यूज़ नहीं होता है। डिस्क्राइब के साथ में आप कभी भी अबाउट का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये आपका एरर कहलाएगा। पार्ट अगर हम पूछे तो पार्ट आपका कौन सा कहलाएगा, सी। हम डिस्क्राइब के साथ में कभी भी अबाउट का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इन मैनी रिस्पेक्ट्स इंडिया इज डिफरेंट देन वेस्टर्न कंट्रीज। अब देखिए जैसे हम डिस्क्राइब के साथ में अबाउट यूज़ नहीं करते, सेम प्रीपोजिशन केस आएगा यहाँ पे। हम अगर बात करते हैं डिफरेंट, तो बेटा आपको याद रखना है डिफरेंट के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ना कि देन का यूज़ होता है। डिफरेंट के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ये बात हमेशा याद रखेंगे। पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट आपका कौन सा एरर कहलाएगा, सी पार्ट एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम आपका भी जो हमने बात की थी, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और। वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, सेकंड सब्जेक्ट। यहाँ पर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, आइदर, यहाँ क्या लिखा है, और। सेकंड सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू। यू के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा बेटा, इसकी प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, आर। रूल आपका फॉलो होगा इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और। वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट यू है तो इज यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, आर। पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो बी पार्ट में आपका एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, द मैनेजिंग डायरेक्टर अलॉन्ग विथ, सेम वही रूल आता है आपका, कौन सा वाला, जैसे आपने ये पढ़ा अलॉन्ग विथ, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अभी हमने बात की थी एज वेल एज, एक क्वेश्चन एज वेल एज का मिला था, एक आपको मिला विथ का, एक आपको मिल गया अभी अलॉन्ग विथ का। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, तो फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट आप देखते हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। डायरेक्टर कैसा सब्जेक्ट हुआ आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वहाँ पर वर्ब क्यों है, वर्ब की प्लेस पे बेटा हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों होते हैं, यहाँ लिखा जैसे हिज स्टाफ मेंबर्स, मेंबर्स आपका प्लूरल नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि वर्ब सही है, बट ऐसा नहीं होता। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे तो वर्ब की प्लेस पे क्या यूज़ होगा, वॉज। पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट आपका ए है, यहाँ पे आप देखें तो पार्ट आपका कौन सा कहलाएगा, ए कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्पाइट ऑफ कंटिन्यूइंग पेन शी वर्कड एट हर टेम्परेरी समर जॉब मोस्ट ऑफ द वीक। यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए दो प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, एक यूज होता है इंस्पाइट ऑफ और एक यूज होता है डिस्पाइट। आपको पता है कि डिस्पाइट के साथ में हम कभी भी किसका यूज नहीं करते, ऑफ का यूज नहीं होता है। दोनों का मतलब हम यूज करते हैं के बावजूद, कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है। आपको कोई प्रॉब्लम है उसके बाद भी आप वो काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी होते हुए भी आप पॉजिटिव की हो जाते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट का। डिस्पाइट के साथ में हम कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं, और डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं होता, हम किसी को भी किसी के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो एरर कहलाएगा आपका ऑफ, पार्ट आपका कहलाएगा ए। हम यूज़ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, हम डिस्पाइट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ईच ऑफ देम, जब हम रूल की बात करते हैं तो देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि ईच ऑफ देम,
ईच ऑफ देम के बाद में, जैसे ईच ऑफ के बाद में नाउन कैसा यूज होता है, जैसे हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, वन ऑफ वाला ही रूल जाएगा। ईच ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन। बट वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। अब अगर हम बात करते हैं वर्ब सिंगुलर चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैव, और हैव बेटा प्लूरल वर्ब है। अब ये हैव प्लूरल वर्ब कैसे है, आप इसको समझिएगा। अगर हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तो आपका आता है जैसे गो, गो। फिर सेकेंड फॉर्म की हम बात करते हैं तो रहता है वेंट। थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो होता है आपका गॉन। फोर्थ फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो होगा आपका गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो होगा आपका गोस। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज क्लियर होती है कि ये जो वी वन होता है ये बेटा प्लूरल वर्ब कहलाया। कैसी वर्ब, प्लूरल। गोज आपको पहले ही बताया, जिस वर्ब में एस और ईएस लगती है वो आपकी कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, गोज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम बात करते हैं हैव, आपका मेन वर्ब भी होता है, हैड वी टू होता है, हैड वी थ्री भी होता है, हैविंग आपका वी फोर होता है। और हम बात करते हैं अगर हैज, तो हैज बेटा सिंगुलर वर्ब हुई। हैज कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम के बाद में कैसी वर्ब चाहिए हमें, सिंगुलर। यहाँ लिखा क्या है, हैव, हैव तो आएगा नहीं। हैव के प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे, हैज का। क्यों, क्योंकि हैव आपकी प्लूरल वर्ब कहलाती है और आपकी हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो ये जो है ये गलत होगा। यहाँ पर जब एरर की बात करेंगे तो बी पार्ट में एरर है, हैव की प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज होगा, क्योंकि हैज आपका सिंगुलर है। ये दोनों वर्ब देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आइएगा नन ऑफ द एप्लीकेंट। देखिए कभी भी सेंटेंस में अगर आपको मिलता है नन ऑफ, नन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल रहता है, बट नाउन आपका बोला आपको प्लूरल नाउन, बट वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर। हैव के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज होगा। पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट आपका कौन सा एरर कहलाएगा बेटा, ए पार्ट आपका एरर कहलाएगा। नेक्स्ट आइएगा, She has been teaching the same lesson since 5 days. जब हम बात करते हैं ये perfect continuous में बना है, since और for की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 days, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, since। Since की place पे हम किसका use करेंगे, for। Reason, ये cardinal number है और आपको पता है cardinal number के साथ में हम किसका use करते हैं, हमेशा for का use करते हैं। Part की अगर हम बात करते हैं तो part आप वहाँ पे देखें clear दिख रहा है आपको, C part में आपका error है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई वॉज शॉक्ड वेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कैंसर। देखिए कभी भी किसी की भी डेथ होती है जो कि किससे डेथ हो रही है आपकी, डिसीज से होगी। किससे होगी, डिसीज से। तो डिसीज के लिए बेटा कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, डाइड फ्रॉम डिसीज का नाम जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कैंसर हम यूज करते हैं। फ्रॉम यूज नहीं होता, फ्रॉम अदर पर्पज या अदर रीजन की बात करते हैं। अदर रीजन, अदर रीजन के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं फ्रॉम का। अदर रीजन के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। ये बाय हटेगा और हम यहाँ पर क्या, सॉरी, ऑफ यूज करेंगे, बिकॉज ये कैंसर लिखा है। कैंसर क्या है आपकी, डिसीज है। कैंसर क्या है, डिसीज। और डिसीज के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करेंगे। तो जो सी पार्ट है, सी पार्ट में आपका एरर है। हम जब यूज करेंगे तो बाय के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। अब आपको बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको पहले भी जब प्रीपोजिशन पढ़ाया तो वहाँ पर क्लियर किया है कि कभी भी हम टेल के साथ में क्या यूज़ नहीं करते, टू यूज़ नहीं करते हैं। तो बी पार्ट में एरर है, टेल के साथ में टू नहीं आएगा, ये आपका बी पार्ट एरर कहलाएगा। प्लीज़ टेल हिम आएगा, टेल टू हिम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ईच ऑफ वाला आया था रूल, वन ऑफ वाला आया था। जब भी हम यूज़ करते हैं तो सेम इसी में जाएगा, नाइदर ऑफ। Neither of के बाद में noun कैसा use होता है, plural, but verb कैसी use होती है, singular verb। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो neither of के बाद में noun कैसा है आपका, plural noun है। verb कैसी use है, singular। तो हम आर use नहीं करेंगे, हम आर की place पे हम क्या use करेंगे, is use करेंगे। आर की place पे क्या use होगा, is। Next question आते हैं। Next question लिखा है, Mr. Smith was accused for murder, but the court found him not guilty and acquitted him। ठीक है, अब यहाँ से एक बात क्लियर रखिएगा, यहाँ लिखा क्या है, एक्यूज लिखा हुआ है और एक्यूज के साथ में फॉर है। आपको याद रखना फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है। एक्यूज के साथ में हमेशा क्या यूज होता है बेटा, ऑफ यूज होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिए, एक्यूज के साथ में हम किसका यूज करते हैं, तो ऑफ का यूज होता है। एक्यूज के साथ में ऑफ। एरर की बात होगी तो पार्ट कौन सा एरर कहलाएगा आपका, फर्स्ट पार्ट में एरर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्टैकिंग वर्कर्स वर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री। देखिए यहाँ पे भी देखते हैं, नॉट वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, वन ऑफ के बाद में नाउन भी आप देख रहे हैं प्लूरल, बट वर्ब यूज करेंगे तो हम ये वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, वर नहीं आएगा, वर के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, वॉज। और ये जो पार्ट एरर कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, सी। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको, दो तीन क्वेश्चन आपको नए मिल जाएंगे, बट है वो आपकी के ही पूरी जो एग्जाम से पूछे गए थे वही क्वेश्चन है। Not one of the hundreds of striking workers. Work की place पे हम क्या use करेंगे? Was. Part की अगर हम बात करते हैं, part आपका C के लिए टक्कर आएगा। Next आइएगा, the students were awaiting. ठीक है, वापस देख लेते हैं एक बार। Sentence लिखा हुआ है, the students were awaiting. बेटा awaiting के साथ में कभी भी क्या use नहीं होता, तो await के साथ में कभी भी for का use हम नहीं करते हैं, और वेट के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। ये दो बात आप याद रखेंगे, अवेट के साथ में फॉर का यूज़ नहीं होगा और वेट के साथ में हम फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा है अवेटिंग द अराइवल, तो फॉर यूज़ नहीं होगा, पार्ट एरर जो आपका कहलाएगा वो बी पार्ट एरर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, एम्फेसाइज ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर्स द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। एम्फेसिस के साथ में हम किसका यूज़ नहीं करते हैं, ऑन का यूज़ नहीं करते हैं, और ये आपका कहलाएगा कौन से पार्ट में, ए पार्ट में आपका एरर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर ओपनिंग द डोर ही इंटर्ड इनटू। इंटर्ड के साथ में बेटा क्या यूज़ नहीं होता, इनटू यूज़ नहीं होता है। इंटर्ड के साथ में इनटू यूज़ होता है जब वो किसी बिजनेस या फिर एग्रीमेंट की बात होगी, उसके लिए हम इनटू यूज़ करते हैं, बाकी नहीं तो इंटर्ड के साथ में इनटू यूज़ नहीं होगा। पार्ट अगर हम बात करते हैं तो पार्ट कौन सा एरर है आपका, बी पार्ट में एरर रहेगा। तो ये थे आपके जो इस बार के जीएटी में क्वेश्चंस पूछे गए थे, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहिएगा, बहुत ही जल्द आपके नेक्स्ट एग्जाम भी होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सॉल्यूशंस में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।